नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वे सर्वा और अचलपुर के चार बार के विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड़ू ने आज दोपहर नेहरू मैदान में संगठन का शक्ति प्रदर्शन करते हुए कहा कि विधायक रवि राणा द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के बाद मांगी गई माफी को वे स्वीकार करते हैं। राणा दो कदम पीछे हटे हैं तो वे भी अपने चार कदम पीछे लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यह मामला यहीं पर खत्म होने का ऐलान भी विधायक बच्चू कड़ू ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के सामने करते हुए कहा कि पार्टी के अधिकांश जिला प्रमुख भी उनकी इसी राय से सहमत हैं। साथ ही दिव्यांगों और समाज के अंतिम घटक के उत्थान के लिए अब भी काफी कुछ करना बाकी है और जिले के कई विकास प्रकल्पों को पूरा करना है, इसलिए वे राज्य की शिंदे व फडणवीस सरकार के साथ हैं। विधायक बच्चू कड़ू ने बातों ही बातों में प्रदेश सरकार में खुद के मंत्री बनने के संकेत भी दिए। चूक अपने लक्षात आली, त्याची माफी मागितली, त्याबद्दल खरं तर पुन्हा आपले आभार मानतो। आपण दोन पावलं मागे घेतले, आम्ही चार पावलं मागे घेऊ। आम्हाला विनाकारण ऊर्जा खत्म करायची नाहीये, चांगल्या कामात ऊर्जा लावायची आहे। या सगळ्या आंदोलनामध्ये 7 दिवसांमध्ये मग आमच्या सुप्रियाताईनं जे काही आमच्याबद्दल भावना व्यक्त केल्या असत, आमचे राजू शेट्टी साहेब असत, आमचे गुलाबराव पाटील असत, सतीशजी पाटील असाल, नंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। नेहरू मैदान में लोग सुनने तो निश्चित ही बच्चू कड़ू को आए थे, लेकिन उनसे पहले नगर जिले की दिव्यांग लक्ष्मीताई ने बड़ा भावना प्रधान संबोधन कर बच्चू कड़ू को दिव्यांगों का मसीहा बताया। साथ ही जैसे ही विधायक राजकुमार पटेल बोलने आए तो सभा में उपस्थित लोगों का उत्साह बढ़ गया। विधायक पटेल ने बहुत सीधी साधी बोली भाषा में 10 से 12 मिनट का संबोधन किया और उन्होंने बातों बातों में कहा कि अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मेलघाट और अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों से लीड लेने वाले ही दिल्ली पहुँचते हैं। पटेल के संबोधन के समय ही विधायक बच्चू कड़ू के भाषण का अंदाजा हो गया था। अरे डैम के लिए पैसे दे, विकास के लिए पैसे दे, बात खत्म। हम विकास के साथ में है, हम सत्ता के साथ में तो है, लेकिन हम विकास के साथ में, हम हमारे मेलघाट क्षेत्र में, हमारे मतदार संघ में, चाहे वो विकास के जितने भी काम हो वो काम होना चाहिए, इसीलिए हम सत्ता के साथ में। अगर कोई बोलते होंगे और कहीं दिल्ली भी ले जाते हो, हम वहां भी चले जाएंगे, हमारा क्या है। तो आए था वो खर्चा वो कर रहे हैं, अपने को सिर्फ जाने में भी तुम नहीं जा सकते क्या। सत्ता है, हमारा विकास है, हम विकास के साथ में रहेगा। गुवाहाटी जाने के लिए विधायक बच्चू कड़ू द्वारा 50 खोखे लिए जाने का आरोप विधायक रवि राणा ने किया था, जिसके बाद दोनों विधायकों के बीच काफी हद तक विवाद बढ़ गया और बच्चू कड़ू काफी आक्रामक हो गए। इसी पार्श्वभूमि को लेकर मंगलवार 1 नवंबर को अमरावती शहर के नेहरू मैदान में प्रहार संगठन का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन स्थल पर मैं झुकेगा नहीं के पोस्टर झलकने से इसे लेकर काफी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। इस सम्मेलन के दौरान राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा विधायक बच्चू कड़ू के प्रति दी गई प्रतिक्रिया के पोस्टर भी आज सम्मेलन स्तर पर लगे दिखाई दिए। इन प्रतिक्रियाओं को सम्मेलन में शामिल सभी लोगों द्वारा बड़े ध्यान से पढ़ता देखा गया। प्रहार संगठन के अमरावती में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक बच्चू कड़ू अपने आगे की राजनीतिक भूमिका स्पष्ट करेंगे, यह खबर समूचे राज्य में फैलने के बाद आज मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों से प्रहार संगठन के कार्यकर्ता अपने अपने जिला प्रमुखों व संपर्क प्रमुखों के नेतृत्व में अमरावती पहुंचे थे। प्रहार संगठन के कार्यकर्ता सम्मेलन को देखते हुए शहर पुलिस ने तगड़े बंदोबस्त के साथ कार्यकर्ताओं के वाहनों के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था कर रखी थी। मंगलवार को सुबह से ही विभिन्न वाहनों में कार्यकर्ताओं का कारवां नेहरू मैदान सम्मेलन स्थल की तरफ आता दिखाई दे रहा था। प्रहार संगठन के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन स्थल पर दोपहर 2:15 बजे के आसपास अपने नेता व विधायक बच्चू कड़ू का आगमन होते ही नेहरू मैदान के प्रवेश द्वार पर भारत माता की जय घोष के साथ विधायक बच्चू कड़ू को अपने कंधे पर उठा लिया और मंच तक उन्हें लेकर आए, पश्चात इस कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। नेहरू मैदान में प्रहार कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शुरू होने से पहले प्रहार पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कड़ू ने दोपहर करीब 12:30 बजे अपनी पार्टी के सभी जिला प्रमुखों के साथ राहटगांव मार्ग स्थित होटल गौरी इन में बैठक की। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें विधायक बच्चू कड़ू ने अपना अगला निर्णय लेने हेतु अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया।
शिंदे समर्थक विधायक बच्चू कड़ू पर भाजपा समर्थक विधायक रवि राणा द्वारा लगाए जाने के बाद पैदा हुआ विवाद अब समाप्त होने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी काफी भिन्न है। बच्चू कड़ू के कार्यकर्ता अब भी रवि राणा पर काफी हद तक नाराज दिखाई दे रहे हैं और यह नाराजगी आज कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखाई दी, जब बच्चू कड़ू के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विधायक रवि राणा व उनके समर्थकों को एक तरह से चुनौती दी है। जिस समय आज नेहरू मैदान पर विधायक बच्चू कड़ू द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया गया, उस समय विधायक रवि राणा मुंबई में मौजूद थे। वहीं अमरावती में उनके निवास स्थान पर उनकी पत्नी व सांसद नवनीत राणा तथा उनके बड़े भाई सुनील राणा दिखाई दिए। इस समय सुनील राणा ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि बच्चू कड़ू और रवि राणा के बीच कोई विवाद नहीं है और संगठन की मजबूती के लिए हर नेता को अपनी पार्टी का कार्यक्रम लेने का पूरा अधिकार है। वहीं शहर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से आज पूरे शहर में काफी तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया था और कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए विधायक रवि राणा के शंकरनगर परिसर स्थित गंगा सावित्री निवास स्थान और भोंगाड़े कॉम्प्लेक्स स्थित जनसंपर्क कार्यालय के पास पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। विगत 4-5 दिनों से रवि राणा व बच्चू कड़ू इन दो विधायकों के बीच चल रही जुबानी जंग की वजह से महाराष्ट्र में अच्छी खासी राजनीतिक सरगर्मी देखी जा रही थी। पश्चात सीएम एकनाथ शिंदे व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा किए गए हस्तक्षेप के चलते कहने को तो दोनों विधायकों के बीच विवाद खत्म हो गया, लेकिन कहा जा सकता है कि पिक्चर अब भी बाकी है, क्योंकि आज अमरावती में विधायक बच्चू कड़ू द्वारा किए गए शक्ति प्रदर्शन के बाद मुंबई में तुरंत ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं और मुंबई में मौजूद विधायक रवि राणा एक बार फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः वे बच्चू कड़ू द्वारा अपने भाषण में कही गई कुछ बातों और चेतावनी को लेकर डिप्टी सीएम फडणवीस के सामने अपनी नाराजगी जता सकते हैं। शिवसेना में ठाकरे गुट व शिंदे गुट के बीच चल रहे विवाद की वजह से जारी सत्ता संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई एक बार फिर आगे टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू होने के बाद संविधान पीठ ने दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष लिखित स्वरूप में पेश करने का आदेश दिया, जिसके लिए संविधान पीठ ने दोनों पक्षों को 3 सप्ताह का समय भी दिया है। इस दौरान दोनों पक्षों को न्यायालय में अपने दस्तावेज पेश करने होंगे, जिसके बाद आगामी 29 नवम्बर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ अब उनके विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर राहुल गेठे को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। माओवादियों ने राहुल गेठे के घर पर एक धमकी भरा पत्र भेजा है, जिसकी जानकारी सामने आते ही जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। आज दोपहर अमरावती से नागपुर जाने हेतु रवाना हुई राज्य परिवहन निगम की बस में 4 बजे के आसपास पिंपल विहर गांव के निकट अचानक ही आग लग गई। इस समय इस बस में 35 यात्री सवार थे, जिसमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बस में आग लगने की बात समझ में आते ही बस के चालक ने तुरंत ही बस को सड़क किनारे खड़ा किया और सभी यात्रियों को समय रहते बस से नीचे सुरक्षित उतारा गया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के नूरनगर स्थित डॉक्टर शाहिद अहमद खान के मस्कत अस्पताल का बिजली बिल भरने में केवल 13 दिन का विलंब हुआ। इस पर महावितरण के कर्मचारी बिजली काटने के लिए जा धमके। इस अस्पताल के आईसीयू में कुछ मरीज भी भर्ती थे, ऐसे में डॉक्टर ने केवल 2 घंटे का वक्त मांगा, लेकिन महावितरण के कर्मचारियों ने 2 घंटे का भी समय न देते हुए अस्पताल की बिजली काट डाली। महावितरण कर्मचारियों की इस करतूत से मरीजों की जान भी जा सकती थी। वहीं इस डॉक्टर के खिलाफ नागपुर गेट पुलिस थाने में शिकायत भी दी गई। हालांकि डॉक्टर शाहिद ने 41,890 रुपए का बिजली बिल महज 2 घंटे के भीतर महावितरण को अदा कर दिया, जिसके बाद उनके अस्पताल बिजली आपूर्ति सुचारू की गई। परतवाड़ा के अंबिका लॉन में आज क्रिश्चियन मिशनरीज के किसी समूह द्वारा चंगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर अलग अलग इलाके से आए करीब 1,000 से अधिक लोग उपस्थित थे और यहां पर विभिन्न बीमारियों का कथित तौर पर चमत्कारी ढंग से इलाज किया जा रहा था। इस बात की खबर मिलते ही कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों से वास्ता रखने वाले युवक अंबिका लॉन में पहुंचे और उन्होंने वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इन युवकों द्वारा आरोप लगाया गया कि इस तरह के आयोजन की आड़ में इस समूह द्वारा धर्म परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए धारणी व चिखलदरा सहित मेलघाट की सीमा पर बसे कुछ गाँवों के आदिवासियों को इस कार्यक्रम लाया गया है। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद अंबिका लॉन में सत्संग के नाम पर इकट्ठा हुए सभी लोग धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गए, ऐसी जानकारी सामने आई। पता चला है कि इस कार्यक्रम में करीब 1,000 से 1,200 लोग शामिल थे और अंबिका लॉन में लगभग इतने ही लोगों का भोजन भी बनाकर तैयार किया गया था, जो यहां पर मचे हंगामे के बाद सभी लोगों के निकल जाने की वजह से वैसे के वैसा ही पड़ा रहा। वहीं इस मामले को लेकर परतवाड़ा पुलिस में किसी भी पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। 3 दिन पूर्व प्रभात चौक के निकट राजेंद्र लॉज की पुरानी व जर्जर इमारत ढह जाने और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो जाने के बाद स्थानीय मनपा प्रशासन ऐसी इमारतों को लेकर हड़बड़ाकर नींद से जागा है और आनंद फाना ने 50 से 60 वर्ष पुरानी इमारतों की सूची तैयार की गई, जिन्हें आगामी कुछ दिनों में तोड़ा जाना है। वहीं आज शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर मनपा के तोड़क दस्ते ने तोड़ू कार्रवाई की, जिसके तहत शहर के मध्य स्थल में स्थित खत्री कंपाउंड सहित बॉम्बे फैल व जूना कॉटन मार्केट परिसर में कई अरसा पहले बनाई गई और गिरने की कगार पर पहुंच चुकी वॉल कंपाउंड को तोड़ दिया गया। इसके साथ ही मनपा प्रशासन द्वारा बताया गया कि गत रोज शहर में C1 श्रेणी में रहने वाली जिन इमारतों की सूची तैयार की गई है, उन इमारतों को गिराने की कार्रवाई आगामी 3 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी, ताकि भविष्य में फिर कभी राजेंद्र लॉज वाली इमारत जैसा हादसा घटित ना हो।
सोमवार की सुबह अपने अवकाश के बाद अमरावती पहुंचने पर मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने सबसे पहले प्रभात चौक परिसर जाकर घटना स्थल का मुआयना किया और मनपा अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक भी ली, जिसमें सबसे पहले राजेंद्र लॉज वाली इमारत की निचली मंजिल पर राजदीप बैग के आसपास स्थित 3 दुकानों को तुरंत सील कर देने का निर्णय लिया। साथ ही C1 यानी अति जर्जर श्रेणी में रहने वाली 33 इमारतों को तत्काल खारिज कराने का निर्देश भी जारी हुआ है। अमरावती में घटित राजेंद्र लॉज इमारत के ढह जाने और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो जाने के मामले को राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। जिला पालक मंत्री रहने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती की विभागीय राजस्व आयुक्त दिलीप पांडरपट्टे को इस हादसे की जाँच करने का आदेश दिया है। शहर के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने प्रभात चौक इमारत हादसे पर दुख व्यक्त करने के साथ ही इसे दुर्भाग्यजनक बताया और मनपा प्रशासन को भी जमकर आड़े हाथ लिया। डॉक्टर देशमुख ने आज मंडल न्यूज के साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र मनपा कानून के तहत निगमायुक्त को अनेक अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे में मनपा आयुक्त ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज से अमरावती में 5वें 3 दिवसीय संत श्री गजानन महाराज भक्त अधिवेशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों से गजानन भक्त उपस्थित हुए हैं। इस अधिवेशन के पहले दिन जिले की सांसद नवनीत राणा ने आयोजन स्थल पर उपस्थित होकर आयोजन में शामिल विभिन्न संतजनों का आशीर्वाद लेने के साथ ही महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से आए गजानन महाराज के भक्तों का स्वागत किया। अमरावती के जिला प्रशासन द्वारा इससे पहले नजरअंदाज में जिले की पैसेवारी 53 पैसे घोषित की गई थी। वहीं सोमवार को जिलाधीश पवनीत कौर ने जिले की संशोधित पैसेवारी 47 पैसे घोषित की है, जिसके तहत 11 तहसीलों में 50 पैसे से कम और 3 तहसीलों में 50 पैसे से अधिक की पैसेवारी तय की गई है। अग्रवाल जागृति महिला मंडल, अग्रवाल सखी मंच व अग्रवाल युवा संगठन द्वारा गत रोज स्थानीय रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज बंधुओं हेतु दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विभिन्न खेल स्पर्धाओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजे इस कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के सभी महिलाओं व पुरुषों तथा युवाओं ने उपस्थित रहकर आयोजन का आनंद लिया। अमरावती शहर के ख्यातनाम चार्टर्ड अकाउंटेंट आरआर खंडेलवाल के भांजे विभोर खंडेलवाल हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति इस लोकप्रिय शो में हिस्सा लेकर वापस लौटे हैं, जिसके बाद मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए विभोर खंडेलवाल ने KBC की हॉट सीट तक पहुंचने की अपनी कठिन यात्रा का ब्यौरा दिया। साथ ही KBC में जाने के इच्छुकों से यह भी कहना चाहा कि KBC जैसे रियलिटी शो में पहुंचना और वहां हॉट सीट पर नंबर लग जाने के बाद सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर देकर लाखों रुपए जीतना वाकई नसीब की बात है। स्थानीय गोरक्षण संस्था में आज गोपाष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों ने अन्नकूट महाप्रसाद का लाभ उठाया। इस अवसर पर एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव तथा गौवंश पर PhD करने वाले डॉक्टर सुनील मानसिंह ने अपने समयोचित विचार व्यक्त करते हुए गौरक्षा व गौ संवर्धन पर उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। ये भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित, क्योंकि हमारी वो संस्कृति, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जीवन पद्धति और फिर हमारा आयुर्वेद से लेके जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा, ये सब उसके कारण हम बचे रहे। और मैं तो इनके पास जब गया था, देवला पार गया था, वहाँ पे काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे थे, शायद अभी उसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो कि RSS की संस्था है। अग्रकुल देवी श्री महालक्ष्मी जी की जन आशीर्वाद यात्रा अग्रोहा से अखंड ज्योति लेकर पूरे भारत भ्रमण पर निकली है। कल 2 नवंबर की दोपहर 2:30 बजे सभी को आशीर्वाद देने के लिए यह यात्रा बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम पहुंचेगी। यहां से मोटरसाइकिल रैली निकालकर इस रथ यात्रा को रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में लाया जाएगा। स्थानीय गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस प्रकाश पर्व का शुभारंभ करने के साथ ही आज मंगलवार की शाम 7:30 बजे समुचित सात संगत द्वारा श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ किया गया, जिसके बाद भाई भूपिंदर सिंह जी ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। सिख पंथ के प्रेरणादायक महान व प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश पर्व आगामी 8 नवंबर को समूचे जगत में बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। इस बात के मद्देनजर बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, ऐसी जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। 3 तारीख और 4 तारीख को अमरोधी शहर में नगर कीर्तन का प्रोग्राम रखा हुआ है। इस नगर कीर्तन में आप सभी ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग इस नगर कीर्तन में अपना सहयोग दे। सिख समाज के लिए अमृतसर शहर काफी महत्वपूर्ण है। इस बात की गंभीरता को देखते हुए सचखंड एक्सप्रेस को अमरावती तक शुरू किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर स्थानीय सिख समाज बंधुओं ने आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। रमई आवास योजना अंतर्गत 500 लाभार्थियों की सूचना तत्काल लगाकर निधि प्रदान की जाए, इस आशय की मांग को लेकर महाराष्ट्र युवा सेना ने मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
धामनगढ़ शहर के शिवाजी वार्ड में पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन देने का प्रलोभन देकर फेरी वाली महिला ने शहर की दो महिलाओं से सोने के गहने ठग लिए। इसकी शिकायत दत्तापुर पुलिस थाने में दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा दोनों महिलाओं की तलाश की जा रही है। बुलढाणा औरंगाबाद मार्ग पर जाम गांव के निकट बीती रात एक तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से जाकर टकरा गई और सड़क किनारे बने गड्ढे में पलटी खा गई। इस हादसे में सुनीता पन्हाले नामक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस महिला के देवर आकाश पन्हाले की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दो बच्चों समेत महिला का पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। अकोला जिले के बालापुर के निकट कान्हेरी फाटे के पास बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बुरी तरह कुचले गए दोनों मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।